अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई जान? ठीक है, तबीयत से ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ, कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 38 साल। तकरीबन 38 साल उम्र है आपकी, माशाल्लाह। अच्छा, आपको ये मज़दूरी कब से है? ये पैदाइशी है। पैदाइशी मज़दूरी है। पहले आप चल वगैरह सकते थे या अभी ये मसला हुआ है? पहले भी नहीं चल सकते। पहले भी नहीं चल सकते थे? तो ये व्हील चेयर आपको कहाँ से मिली है? ये मुजफ्फरगढ़ से मिली है। मुजफ्फरगढ़ से मिली है। आप हाफिज़े कुरान भी हैं? जी जी। आप शादीशुदा हैं? जी। आप शादीशुदा होकर इतनी महंगाई के आलम में आप तो बैठे हैं व्हील चेयर पर, तो आपका गुजारा कौन कर रहा है? आपको खाने पीने के लिए कौन देता है? अबू अम्मी जिंदा हैं, गुजारा हो रहा है। जब ये चले जाएंगे तो पत्नी क्या होगा हमारे साथ? भाई हैं अभी तो करते हैं, इसके बाद पत्नी क्या होगा हमारा? क्या होगा, सही बात है। अच्छा, ये आपकी बहन जो है ये भी तांगों से स्पेशल है? जी जी बिल्कुल। नाज़रीन कराम, एक ही घर में दो स्पेशल बच्चे होना ये अल्लाह ताला की आजमाइश होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमा रहा होता है। कराम, ये हमारे भाई जो है टांगों से स्पेशल हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और उसके साथ ही हमारी बहन है कौसर बीबी, ये भी टांगों से स्पेशल है, ये चल नहीं सकती, बहुत ही मुश्किल से ये अपने घर का गुजर बसर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी? तबीयत से ठीक है? अच्छा बाजी, तेरे हाथों को क्या मसला है? हाथ कमदे पहन? हाथ एकदम कमदे शुरू को ला दे। शुरू को ला के? अच्छा, तो क्या मसला है बाजी? पोलियो दी बीमारी। पोलियो दी बीमारी है जी। चौके साल तो बाजी, पहले टूट दे हावे या शुरू को ही नहीं हुए? पहले टूट दे हासे। अच्छा, 15-16 साल थे गए नून बाग। अच्छा, पहले आप चलती फिरती थी? 15-16 साल हुए आप इस चारपाई पर बैठ गए। आपकी शादी हुई है? कोई ना। अच्छा, ये हमारी बहन है जो पोलियो की मरीज है, जो टांगों से डिसेबल है, बहुत ही मुश्किल से ये हमारी बहन अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही है। अच्छा मेरी बहन, अब आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? सारे अब्बा जींदे बैठे सारी करें, सारा अब्बा टोर सारी कौन करे, वाशरूम की ज़रूरत है। अच्छा, आपको वाशरूम की ज़रूरत है? जी। कौन सा वाशरूम आपको ज़रूरत है? इंग्लिश सीट जो ऊपर कमोट होता है, वो जो कुर्सी वाला होता है, कुर्सी वाला? जी हाँ, कुर्सी वाला। इनको पता नहीं है कि कमोड क्या होता है, कुर्सी वाला वॉशरूम क्या होता है। ये कह रहे हैं कि हमें कुर्सी वाला वॉशरूम ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है बहन भाई फ्लश पर नहीं बैठ सकते, ये बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही हैं। अच्छा मेरी बहन, आपके ईद के कपड़े राशन वगैरह है? कोई ना। आपके घर में राशन वगैरह नहीं है? कोई ना। तो अब आपको कौन खिलाता पिलाता है? अबू, वो मेरा बुढ़ा है, काम नहीं कर सकता, मम्मी बुढ़ी है, ना चा संग दिए, ना काम कर संग दिए कोई। आज तो सारा माँ प्यो जींदे सब कमेंदा पिलेंदे, कल को सारा माँ प्यो लंघ मने सारी काम बुझा करनी है, सबको वाशरूम की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, सौदा दी, हर जो है टांगों से डिसेबल है। ये फरमा रही हैं कि आज तो हमारे वालिदैन जिंदा हैं, हमारे वालिद मोहतरम वालिद वालदा जिंदा हैं, तो आज वो हमारी कर रहे हैं, कल अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं तो फिर हमारा कौन है करने वाला? तो ये बहुत ही गरीब और बहुत ही नहायत नीडी फैमिली है। आप में से कोई भी बहन भाई राहिल्ला इस हमारे दोनों बहन भाइयों की मदद करना चाहे, इनको एक वॉशरूम की ज़रूरत है, इंग्लिश सीट जिसमें कमोड कहते हैं आप, वॉशरूम की ज़रूरत है, कोई भी बहन भाई इनके लिए वॉशरूम बनवा कर देना चाहे, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह अपने हाथों से आपका हक इन तक पहुँचाएँगे।